गोला, स्फीयर। एक वृत्त को व्यास के परिता घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे गोला कहते हैं। गोला एक ऐसी ठोस आकृति है जिस पर स्थित हर बिंदु उसके केंद्र से एक निश्चित दूरी पर स्थित होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गतिविधि एक, हमें पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी ठोस वस्तु आकृति के बाहरी आवरण को बताती है। हम बेलन और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की तुलना कर सकते हैं। एक बेलन और गोला लें जिसमें बेलन के आधार की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या समान हो और बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या की दुगुनी हो। साथ ही एक रस्सी भी लें। बेलन की आधी ऊंचाई पर चिन्ह लगाइए और बेलन के तल अथवा शीर्ष से मध्य चिन्ह तक रस्सी से बेलन को लपेटें। अब इस रस्सी को काटें और इसे गोले पर लपेटें। आप पाएंगे कि इस रस्सी के द्वारा गोले का आधा भाग ढक जाएगा। अतः इस गतिविधि से हम यह कह सकते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है। जब बेलन के आधार की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या बराबर हो और बेलन की ऊंचाई गोले के व्यास के बराबर हो, अतः हम कह सकते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πRh बराबर 2πR गुणित 2R बराबर मिलेगा हमें 4πR वर्ग वर्ग इकाई। इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πR वर्ग वर्ग इकाई, जहां R गोले की त्रिज्या है। बच्चों पता है, बचपन में क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम हुआ करता था। इसके अलावा बास्केटबॉल, फुटबॉल ये भी हम बहुत खेलते थे। आप भी ये सब गेम खेलते होंगे। इन सभी गेम्स में ऐसी अलग अलग साइज की बहुत सी गेंद यूज होती है। जैसे फुटबॉल या बास्केटबॉल की बात करें तो इससे बड़ी गेंदें यूज होती है और क्रिकेट में इसी तरह की बॉल यूज होती है, जबकि टेबल टेनिस में इससे भी छोटी जो बॉल है वो यूज करते हैं। ये सभी बॉल जो है ये गोलाकार हैं। कुछ जो गोले होते हैं वो खोखले हो सकते हैं और कुछ गोले जो होते हैं वो ऐसे ठोस हो सकते हैं। ये देखिए, ये ठोस गोला है। परंतु जब इनको आप अपनी कॉपी में या पेपर में बनाते हैं तो वो वृत्ताकार दिखाई देते हैं, परंतु इनके आयतन होते हैं। ये त्रिविमीय आकृतियां हैं। अगर मुझे इस गोले का वक्र पृष्ठ या आयतन ज्ञात करना है तो मुझे उसके लिए इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो इसकी त्रिज्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये देखिए, मेरे पास ये स्केल का हम सहायता ले लें, स्केल की, तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं। इसे इस प्रकार लंबवत रखिए और जो गोले को टच भी करे। इस स्थिति में यदि हम इसे रखें और फिर हम ये जो गोले की जो ऊंचाई हम देख रहे हैं यही इस गोले का व्यास है। ये देख रहे हैं आप, ये आ रहा है 15 सेंटीमीटर। तो हमें अगर इसका व्यास मिल गया तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? व्यास की आधी, यानी कि 15 सेंटीमीटर का आधा हमें मिलेगा 7.5 सेंटीमीटर। ये इस गोले की त्रिज्या है। तो अब हमें यदि आयतन ज्ञात करना है तो आयतन का सूत्र क्या होता है गोले का? 4/3 πr³। तो 4/3 πr³ में r की वैल्यू यहां कितनी आ रही है? इस गोले की त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर। इससे हम इसका आयतन निकाल लेंगे। और यदि बात करें इसके वक्र पृष्ठ की तो इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है? 4πr²। तो 4πr² में भी r का मान निकाल हमने निकाला हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। तो हमें इसका वक्र पृष्ठ भी मिल जाएगा। अगर इस गोले का हम आधा कर लें, यानी कि हम बात कर रहे हैं अर्ध गोले की, तो देखिए ये बिल्कुल इस प्रकार का होगा। अरे देखिए, तो लुढ़कता ही चला जा रहा है। चलिए, ये खड़ा हो गया। अब देखिए, ये है इसका अर्ध गोला। ठीक है, ये इसी गोले का अर्धगोला है। ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें इसका व्यास देखना होगा। ये देखिए, ये जो है इसका व्यास कितना आ रहा है? ये व्यास फिर से आ रहा है, देखिए 15 सेंटीमीटर। यानी ये इसी जो गोले है इसी का अर्धगोला है। अब बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ, इसके आयतन, और अब यहां बात होगी इसके संपूर्ण पृष्ठ की भी। हम यहां संपूर्ण पृष्ठ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, यहां पर इसके वक्र पृष्ठ के अलावा एक ये वृत्ताकार पृष्ठ भी है।
जब हम इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो हमें इसके वक्र पृष्ठ और इस वृत्ताकार पृष्ठ को जोड़ना होगा। इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा? क्योंकि ये इस गोले का आधा है, तो इस गोले का वक्र पृष्ठ कितना था? 4πr², तो उसका आधा ये होगा 2πr², और इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है ये भी इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हो गया πr² और ये हो गया 2πr², मतलब दोनों को जोड़ के कितना मिला? 3πr². तो हम कहेंगे कि अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है 3πr² वर्ग इकाई। और इसके आयतन की बात करें तो आयतन तो इस गोले के आयतन का आधा होगा। इसका आयतन था 4/3πr³, तो इसका आयतन कितना होगा? 2/3πr³ घन इकाई।